हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे शादी में जाना है और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्या बताऊँ। हमेशा का यही होता है कि जब भी कभी शादी में जाना होता है ना, तो मैं सोचने लगती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी आप लोगों को रूम की हालत दिखाऊँ, मैंने क्या कर रखा है। देखो, ये हाल कर रखा है मैंने अपने रूम का पूरा कबाड़ बना रखा है, और आंगन का तो पूछो ही मत क्या हाल किया मैंने। ये मेरे को सूट सिलवाना है और परसों मुझे जाना है और कल मुझे सूट चाहिए, कौन सिल के देगा? अब आप यही रहता है मुझे एट दिस टाइम, मुझे सब कुछ चाहिए होता है कि मुझे नहीं यही भी करवाना है, वो भी करवाना है। अब की बार मैंने शॉपिंग तो थोड़ा पहले कर ली थी, बट कुछ रह जाता है, अस्तर रह गया, तो उस लाइनिंग के चक्कर में मैं अब आज लेके आई हूँ, कल मुझे सूट चाहिए। तो टेलर के पास गई तो उन्होंने मना कर दिया कि एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूँ। फिर प्लान किया कि खुद ही सिल लेते हैं भाई। अब खुद सिलने का प्लान कर रही हूँ तो भी समस्या है, कैंची काम नहीं कर रही है। फिर शादी की और भी मेरे को बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, मतलब इतने सारे कपड़े दिखाए हैं, उनको प्रेस करना, उनको तेलगा के अंदर डालना, सामान और भी बहुत है डालने वाला। तो मैं एक अकेली जान क्या क्या करूँ, ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। हमेशा यही होता है मेरे साथ शादी में, मेरी नैल देखो क्या हाल और किए, फिर नैल पेंट भी लगानी, और मैं चाहती हूँ कोई अच्छी सी नैल आर्ट करूँ, बट टाइम नहीं है मेरे पास। साथ ऐसा ही होता है क्या, या फिर मेरे साथ ही होता है? अभी मेरे चेहरे पे जो स्माइल देख रहे हो ना, उसका रीजन बताती हूँ आपको। मैं बहुत परेशान तो थी, आपको बताया कि टेलर ने मना कर दिया। अभी कोई रिलेटिव है वो भी सिलाई करते हैं, तो मैंने उनको फोन किया, और अभी उनका फोन आया जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उनका फोन आया कि आप अपना सूट भेज दो। तो मैंने कहा भेजने वाला भी नहीं है कोई, घर पे किसके साथ भेजूं। तो उनके हस्बैंड भी इधर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा वो आ जाएंगे और वो ले जाएंगे। तो मैं अब बहुत ही खुश हूँ कि मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। एक और भी काम था, मैंने वो भी उनको सौंप दिया है, तो मैं बहुत खुश हुई। वो घर आके ले गए, मतलब ठीक है, मैं टेंशन फ्री हुई, नहीं तो उनको कहती फिर वो फ्री नहीं होती, तो उनको भेजना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। अब चंकी जान भी जाना ये नहीं, कोई भी काम मेरी तरह ना करो, कुछ भी काम करना हो तो उसे प्लानिंग के साथ करो। मैं भी करती हूँ, महीने पहले ही करती हूँ प्लानिंग, लेकिन काम मैं एट दिस टाइम करती हूँ। अभी मुझे बालों की मेहंदी लगानी है, कल बहुत सारे काम करने हैं, पेडीक्योर करना है, बालों को मेहंदी लगानी है, और भी कई काम है अभी तक मेरी पेंडिंग। ऐसा नहीं है कि मैं सारे काम कम्प्लीटली टाइम पे कर लेती हूँ, मैं जिस दिन जाना होता है ना, उससे पहले दिन रात को पूरी रात लगी रहती हूँ, ऐसा है मेरा शेड्यूल। तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम पे काम करना चाहिए, ताकि आपकी एक अच्छी सी प्लानिंग हो और आप उसे आराम से फॉलो कर पाए। मैं प्लानिंग बहुत करती हूँ, मेरा काम टाइम पे कभी नहीं हो पाता। तो फिलहाल तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको कहना चाहती हूँ, मतलब कि उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो चुकी हूँ और कुछ और काम करने का प्लान करूँगी। तो मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब बताती हूँ कि मेरी शादी की प्लानिंग कैसी चल रही है, और अब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।